हाय गाइस, चलिए बनाते हैं पनीर शवरमा पीटा पॉकेट्स। पिछले वीडियो में पीटा पॉकेट्स कैसे बनाते हैं ये तो आपने सीख ही लिया है, उसका लिंक मैं ऊपर भी डाल रही हूँ। घर में अगर पार्टी हो या फिर वीकेंड पे आपको स्पेशल मील बनाना है तो ये परफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे शवरमा का मैरिनेड। मैरिनेड बनाने के लिए खूब सारे मसाले चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने साइड पर लिखा हुआ भी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, रेगुलर नमक ही यूज़ करना है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे तेल। शवरमा का जो मैरिनेड होता है इसमें कोई दही या कोई भी चीज़ नहीं डलती है, तेल और हल्का सा पानी या फिर नींबू का जूस डाल के ही ये मैरिनेड बनता है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले जो हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो पनीर है हम उसे मैरिनेड में कोट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, पनीर को बहुत ज़्यादा मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैरिनेड लगाने के बाद बहुत देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे तक भी अगर आप रखेंगे तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस पनीर को अच्छे से इसमें लपेट लें ताकि पनीर अच्छे से कोट हो जाए मैरिनेड से। तो बस बाकी के पीसेस भी मैं मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। बस आधा घंटा हो गया है और जो पनीर है ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे तवे पे पकाएंगे। आप इसे ओवन में भी पका सकते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम टेम्परेचर पे, या फिर इस तरीके से जैसे मैं नॉनस्टिक तवे पे पका रही हूँ, हल्के से ऑयल को लगाकर वैसे पकाएं। दोनों साइड पे हमें इसे कुक करना है। माइंड यू, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो पनीर जो है वो ज़्यादा चूई हो जाएगा। वैसे एक टिप दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहे तो हल्के से वॉर्म पानी में नमक में पनीर को डाल के रख लें आधे घंटे के लिए, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस ये जो पनीर शवरमा के पीसेस हैं ये अच्छे से पक गए हैं और मैंने इसे एक चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है। अब हम इसे रैंडमली कट करेंगे। बेसिकली हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, बहुत छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, हल्का सा बस इस तरीके से आप इसे कट कर लें। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब ये जो शवरमा की फिलिंग है ऑलमोस्ट रेडी है, एक स्टेप बाकी है, हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। फटाफट करना है बिकॉज हम चाहते हैं कि जो पनीर शवरमा जब ये थोड़ा सा गर्म है तभी हम इसे सर्व करें। हम इसमें डालेंगे पार्सली, चॉप की हुई पार्सली और लाइम जूस। अगर आपके पास पार्सली ना हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, इट विल टेस्ट नाइस। बस अच्छे से मिक्स कर लें और पनीर शवरमा की फिलिंग तैयार हो गई है। जब भी कोई शवरमा को असेंबल करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए। यहाँ पे मेरे पास है स्लाइस टमाटर, क्यूकम्बर, पिकल्ड अनियंस, गार्लिक सॉस। ये जो गार्लिक सॉस है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊँगी आखिर में कि कैसे बनाना है वो। तो सबसे पहले तो इस पीटा को मैंने कट कर लिया, आधे हिस्से में कट किया है। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना है, पीटा हमेशा थोड़ा सा लंबा बेलना चाहिए ताकि पॉकेट सही से बने। इसके बाद मैंने यहाँ कैबेज डाला है, लेकिन लेटिस ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा पिकल्ड अनियन, पिकल्ड क्यूकम्बर और ये गार्लिक सॉस। वैसे ये गार्लिक सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा दही या फिर योगर्ट ले लें। इसमें डालना है हमें ग्रेटेड गार्लिक और नमक, दैट्स इट, इतना आसान है। पनीर शवरमा की जो फिलिंग है वो भी डाल ली, स्लाइस किया हुआ जो टमाटर है वो भी डाल दिया, थोड़े से क्यूकम्बर के पीसेस डाल लें, थोड़ा सा और हम इसके ऊपर कैबेज या फिर लेटिस डालेंगे। ये जो गार्लिक सॉस है ये अच्छे से डालें बिकॉज ये आपके शवरमा को जूसी और अमेजिंग बनाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे पिकल्ड रेडिशेस थे तो वो भी डाल दिया है, वैसे इसे तोर्शी पिकल भी कहा जाता है। और ये देखिए पनीर शवरमा तैयार है सर्व करने के लिए। आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो भाई फिर देर किस बात की, बनाइए, खाइए और एंजॉय। आपके रोज के खाने को यमी और इजी बनाना यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।